हाँ जी किमे जी, सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई, आज के ब्लॉग में फिर से आपके लिए पेश है एक फ्लाइट ब्लॉग, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बेंगलुरु फ्रॉम दिल्ली, और आज की फ्लाइट होने वाली है हमारी एयर एशिया से। यस, अभी मैं हूँ मेरे होटल में दिल्ली में महिपालपुर में, जो टर्मिनल 3 के बिल्कुल बाजू में ही है, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ही है। तो ये होटल में था, मैंने सोचा क्यों ना भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत होटल से की जाए। एक बार मैं आपको छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये होटल मैंने सिर्फ 500 रुपये में बुक किया था, भाई प्रॉपर्टी अच्छी है। तो ये है मेरा होटल, मैं आपको होटल का टूर दे देता हूँ। बट भाई रूम थोड़ा मैसी हो चुका है, ख़राब हो चुका है, आपको पता ही है यार, रेस्ट करता है बंदा तो अपने हिसाब से थोड़ा सा पसर जाता है। आपको मैं एक बार रूम का टूर दे देता हूँ। जैसे आप इधर आएंगे आपको कबर्ड मिल जाएगा एक, ठीक है, साथ में LED है, यहाँ पर AC बिल्कुल चल रहा है। मैंने रात में थोड़ा सा चलाया था, बट थोड़ी मेरी अभी हेल्थ खराब हो गई थी, AC गलती चला लिया। ये बेड है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा बेड दिखता है। वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वॉशरूम भी वैसे मैंने अभी यूज़ किया था, देखो वॉशरूम भी ऐसा कुछ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ भाई, 500 रुपये में क्या चाहिए आपको ये बताओ। रूम का टूर देखो, रूम फर्स्ट क्लास है, A1 है। टाइम देख लो, 4:40 हो चुके हैं, और आज की मेरी फ्लाइट है भाई एयर एशिया, 8 बजे का डिपार्चर है उसका। चलते हैं एयरपोर्ट पे, बाकी बातें वहीं जाकर करते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। ऑर्डर जी, पहुंच चुके हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, और भाई साहब जो आज रश है यहाँ पर, गाड़ियों की लाइन लगी हुई, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है यहाँ पर, ड्राइवर ने छोड़ा है रोड पे, छोड़ा बल्कि, इतना ज़्यादा रश है ना उस पर, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। एक्चुअली फेस्टिवल आ रहा है आगे होली का, तो लोग यार एडवांस में ही जा रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं अंदर फटाफट से, चेक इन कराते हैं फटाफट से, क्योंकि आज मेरे को विंडो सीट नहीं मिली है। ट्राई करूँगा भाई विंडो सीट मिले। जी पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है आज, मतलब पक्का से फेस्टिवल का ही रश है। देखो यार, सुबह 5 बजे इतना रश मैंने तो आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो पहले लगेज है मेरे पास, लगेज डिपॉजिट कराता हूँ, सिक्योरिटी चेक के बाद ही मिलूँगा यार, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी अंदर आने में मुझे 20 मिनट लग गए हैं, इतना टाइम लग गया आज, रश देख लो कितना है। हो चुकी फाइनली हमारी सिक्योरिटी चेक, मुझे बाहर से यहाँ पर आने में 1 घंटा 10 मिनट लग गया ब्रो। अब चलते हैं, पीछे लॉन्च है, ऊपर देख सकते हैं ना, वहाँ चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। तो अगर आप लॉन्च पे आना चाहते हैं नीचे से, तो आपको आना पड़ेगा उस साइड से होकर लिफ्ट से, और इधर आएंगे ना तो सामने आपको मिल जाएगा ये प्लाजा प्रीमियम लॉन्च। और रश देख लो यार, यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ का लॉन्च प्लाजा प्रीमियम लॉन्च है एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर लगेज रखते हैं, कहीं पर बैठते हैं, देखो सारा ही फुल है यार, यहाँ पर स्पेस खाली है भाई। अगर आप लॉन्च में आएंगे तो ऐसी कुछ सीट्स मिलेंगे आपको बैठने को, और यहाँ पर अपना चार्जिंग भी कर सकते हैं, वॉशरूम उस साइड पे। सो भाई चलते हैं फटाफट से, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा सांभर, स्टार्टिंग में आपको फ्रूट मिल जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो पोटैटोस, बीन्स पड़े हैं, यहाँ पर पोहा है, पाव भाजी है, इडली है। नॉनवेज में आपको एग भुजी मिल जाएगी, यहाँ पर चिकन सॉसेज ब्रेड रखे हुए हैं, और कॉर्नर पे मफीज रखे हैं। सो भाई यहाँ पर मैंने लिए 1 कप चाय ली है, और 2 है रवा इडली विद पोहा लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा चटनी है, और ये है आई गेस पोटैटोस कुछ करके था, तो इतना ही लिया एक बार, बाकी मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर दूसरी साइड आएंगे तो आपको जूस कॉर्नफ्लेक्स चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ब्रेड, तो सब कुछ मिल जाएगा भाई। अभी मैं लेकर आया हूँ पाव भाजी, थोड़ी भाजी पाव, साथ में एक बटर, और ये है एक ब्रेड, साथ में भाई कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करा था, मैं लेकर आया मरिंडा। ये सब कुछ अनलिमिटेड रहता है तो इन्जॉय करता हूँ। ऑलराइट जी, आ चुका हूँ मैं लॉन्च के बाहर। अगर मैं खाने की बात करूँ रिव्यू की, तो खाना तो बहुत अच्छा था, पाव भाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बाकी नॉर्मल था, एवरेज था, ऐसा नहीं कह सकते भी भाई वाव था। पाव भाजी भाई 1 नंबर थी, बाकी पोहा था, कोई ज़्यादा आइटम्स भी नहीं थी, मतलब मैंने देखा ना पहले जब मैं आता था ना, पहले इतनी ज़्यादा वैरायटी होती थी, मतलब अगर आपको खाने में और कुछ चाहिए, मतलब बहुत कुछ मिलता था, लाइव काउंटर्स होते थे डोसा और नॉनवेज में ऑमलेट टाइप होता था, बट अब वो बात नहीं रही। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मुझे उन्होंने रोक लिया था, उन्होंने कहा भाई भाई सर आप ना वीडियो ना बनाओ, तो यार कंटेंट तो देना ना आप सबको। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 7/10, एम्बियंस भी अच्छा था, बट यार वैरायटी ऑफ जो फूड की थी ना वो ख़त्म हो चुकी है अब,
अब वो बात नहीं रही यार क्या देंगे, उनको भी पता है ना भाई अब 2 रुपये में हम इतना ही दे सकते हैं। पहले मिलता था भाई लेवल का खाना। और कोल्ड ड्रिंक चाहिए आपको तो कोल्ड ड्रिंक भी 3 तरह की थी, मरिंडा, पेप्सी एंड 7 अप। बाकी यार ये देखो कितना सही है, यहाँ पर आपको लॉकर मिल जाएगा, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, कुछ चीज़ रखनी है तो चार्ज करके अपना लॉकर में भी रख सकते हैं। वाह सही फैसिलिटी है। तो बाकी भाई सुबह का ऐसा माहौल दिखता है एयरपोर्ट का, देख लो आप। उसके सो अगर मैं बात करूँ कुछ टेक्निकल फीचर की, तो आज की फ़्लाइट नंबर है हमारा I5740 और डिस्टेंस रहेगा ऑलमोस्ट दिल्ली टू बेंगलुरु का बाई एयर का ऑलमोस्ट 1750। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो वो रहेगा ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर, तो बाई एयर में डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है। बाकी देखो भाई पीछे फ्लाइट खड़ी हैं, चलते हैं गेट नंबर 51 की साइड पर। बाकी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट पर, देखो मतलब जब भी मैं आया हूँ ना कोई फेस्टिवल होता है तो कुछ ना कुछ करते हैं स्पेशल। देखो पीछे हैप्पी होली का इन्होंने पूरा डेकोर किया हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी होली में टाइम है, मतलब काफ़ी टाइम पड़ा है, और फिर भी देखो यार मतलब क्या पहले से डेकोर किया हुआ है, गुलाल भी रखा हुआ है, नाइस। सुबह 7 बजे खुल चुके हैं ठेके यहाँ पर, तो सुबह सुबह लोग दारू ले रहे हैं। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके लिए व्हीलचेयर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जब आप बोर्डिंग पास जनरेट करेंगे ना तब ऑप्शन आता है व्हीलचेयर का। कोई भी एयरलाइंस हो, एयर एशिया हो, इंडिगो हो, कोई भी हो, तो आप ऑनलाइन ही बुक कर लें। मेरे लिए तो मतलब मेरा कहना तो यही होगा, पहले से बुकिंग करेंगे ना तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ये भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी आजकल ट्रैवल बहुत करते हैं ना बाय एयर। सो भाई आ चुके हैं अंदर, और आज मेरी सीट है 20F विंडो सीट। सो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे, आज मेरी है विंडो साइड 20F। और अगर मैं बात करूँ लेग स्पेस की तो लेग स्पेस ठीक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ट्रे मिल जाएगी आपको, ठीक है, यहाँ पर अपना रख के कुछ खा पी सकते हैं। और इधर आपको मैगजीन के लिए मिल जाएगा, बाकी स्पेस तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। और यहाँ से आप अपनी सीट को पुश बैक कर सकते हैं, बट ज़्यादा पुश बैक नहीं होगी। मैं पहले बता दूँ, यहाँ से बाहर का नज़ारा चेक करो। ये पैनल से बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचे और इस तरह से नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहन लें। बात करो तो सामने एक मिरर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर इसके अंदर सोप रखा गया है और इसमें पानी है, लेकिन यार मुझे अभी तक कंसेप्ट नहीं समझ आया गर्म पानी क्यों आता है। किसी को पता तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर टिश्यू रखे हुए हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉशरूम है, और बैड स्मेल नहीं आ रही कोई, मतलब एयर प्योरीफायर भी टाइप आई गेस ये कुछ है, और अच्छी स्मेल आ रही है। और अगर मैं बात करूँ भाई प्लेन की, तो इतनी टर्बुलेंस हो रहा था अभी आधे घंटे तक, मतलब लगा था टर्बुलेंस चला है अभी। सो कुछ स्नैक्स आएंगे, स्नैक्स सर्व होंगे तो कुछ खाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू करके बता दूंगा। वैसे मेरे को कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा यार, मतलब बोला भी नहीं जा रहा और पेन हो रहा बॉडी में। कोई बात नहीं, चलते हैं बाहर। सो ऑलराइट, अभी हमें मिला एक पानी की बॉटल छोटा, एंड उसके बाद दिया गया है एक आई गेस कुछ वेजिटेबल हर्ब रोल है, तो ऐसा कुछ रोल दिया हुआ है हमें, हर्ब्स रोल वेजिटेबल्स है। इसको ओपन करके बताता हूँ, एंड साथ में हमें दिया एक पेपर बोट का मैंगो जूस, ठीक है, तो इसको खाते हैं फिनिश करते हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट ठीक है, ठंडा है ये साथ में, और अच्छा लग रहा है, सब जैसा लग रहा है टेस्ट में।
राइट जी, पहुंच चुके हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 10 मिनट्स डिले। यस, टेक ऑफ में 15-20 मिनट डिले थे, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। बाकी अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, फ्लाइट एक्सपीरियंस की, खाना पीना भी काफ़ी अच्छा था। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो खाना पीना मुझे मिला था वो मैंने पहले ही प्री बुक किया हुआ था। मतलब मील वैसे नहीं देते ये फ्री में, पहले प्री बुक करने पे आपको मील मिल जाएगा एंड उस मील के अलग चार्जेस लगते हैं, वो मैंने ऑलरेडी टिकट में पहले ही पे कर दिया था। बाकी अगर आपको अंदर चाहिए खाना पीना तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे टी कॉफ़ी 100-110 ऐसा ही रेट था। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई कंफर्टेबल था, लग रहा था लेग स्पेस कम है बट नहीं, कंफर्टेबल था, आराम से मैं रेस्ट करता आया हूँ, वॉशरूम की कंडीशन भी साफ़ सुथरा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब लगेज लेते हैं, चलते हैं बाहर। सो आज के व्लॉग को बस इतना ही रखता है, अगर आपको व्लॉग पसंद आए मेक श्योर भाई लाइक कर देना। अगर आपको ऐसे और व्लॉग्स चाहिए भाई, अलग अलग ट्राई कर रहे हैं ना जर्नीज, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।